हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बारिश के मौसम में चटपटा खाना किसको पसंद नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुट्टे की दो नई रेसिपी, जो इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्लासिक बटर कॉर्न और मसाला स्वीट कॉर्न रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दो कटोरी भर के स्वीट कॉर्न लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश कॉर्न है ये। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, एक प्याज बारीक चॉप किया हुआ और फ्रेश कोरिएंडर और एक नींबू लिया, ये देख सकते हैं आप। आप चाहे तो आप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में एक गिलास पानी ऐड किया, इसे हम गर्म कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी ऐड करने के बाद में ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे बॉयल होने देंगे, ताकि जो स्वीट कॉर्न है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चाट भी बहुत अच्छी बने। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। ये देखिए स्वीट कॉर्न जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक चम्मच बटर ऐड किया है और इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद में अब हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। हमने सिर्फ आधे स्वीट कॉर्न ही इसमें ऐड किए हैं, आधे स्वीट कॉर्न का हम क्लासिक बटर कॉर्न बनाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। 1-2 मिनट भूनने के बाद में अब हम इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर और प्याज ऐड करेंगे और और अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने पहले ही बॉईल करते वक्त स्वीट कॉर्न को ऐड कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा नमक ही मैं ऐड कर। नमक ऐड करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाले के बिना कोई भी चाट हो अधूरी रहती है, इसलिए चाट मसाला ऐड करना ज़रूरी है। और अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस से जो स्वीट कॉर्न चाट है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और लास्ट में अब हम इसमें फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बनिए ना अच्छे से मसाला स्वीट कॉर्न चाट। ये आप घर पे भी बनाकर खा सकते हैं और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुली वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न की क्लासिक बटर कॉर्न रेसिपी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक हमें इसमें ऐड नहीं करना है और ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बनिए ना एकदम मार्केट जैसी क्लासिक बटर कॉर्न और मसाला स्वीट कॉर्न रेसिपी। तो क्यों मार्केट का लाना, घर पर ही इसे इंस्टेंट बनाना। और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एकदम हेल्थी और टेस्टी रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।